फर्स्ट फेब से लेके मिड फेब मतलब कि 15 to 17 फेब तक मेरे व्लॉग्स बिल्कुल रैंडमली आएंगे। सो इट्स 12:30 इंडिया आफ्टरनून एंड आज है 30 जनवरी। साल का पहला महीना भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, पता नहीं कितना जल्दी चला गया। और देखते ही देखते फरवरी भी शुरू हो गया है। जिस दिन मेरा वीडियो रिलीज होगा उस दिन फरवरी का फर्स्ट डे होगा, मीन्स द फर्स्ट फेब। और एग्जैक्टली ये वीडियो रिलीज होने के आई थिंक अप्रॉक्स एक वीक बाद ही होने वाली है हमारी एग्जाम्स। सो वेलकम बैक टू माई चैनल एवरी एंड आई होप एडिंग ग्रेट। या बहुत टेंशन है, लोड है दिमाग में इस चीज़ों का, इसलिए आपको शायद से आज के मेरे व्लॉग में या फिर अभी जो आपने शुरुआत देखी उससे आपको मेरी एनर्जी काफ़ी लो लग रही होगी। सो दिस इज़ दैट रीज़न के एग्ज़ाम में और बहुत कुछ चल रहा है अभी दिमाग में इसीलिए। हेलमेट तो धूल मिट्टी हो गया बिकॉज इसको मैंने, मुझे याद भी नहीं मैंने इसे कब आखिरी बार यूज़ किया था। आई थिंक इट वॉज द पोलो फॉरेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं माउंट को निकाल दो बिकॉज अब तो कोई राइड करनी नहीं होगी आई थिंक फॉर द नेक्स्ट वन मंथ। फेब में तो कोई भी प्लान है ही नहीं। सो मैं सोच रहा हूँ कि इसको निकाल दो बिकॉज हमें बस से पड़े पड़े अभी धूल ही खा रहे हैं। सो इट्स बेटर टू रिमूव दिस ऑल। और इस स्क्रू को तो मैं इजीली छोड़ दूंगा बिकॉज आई डोंट थिंक इसे कुछ भी डैमेज होगा। जो डैमेज होना होता वो इसी चीज़ को इसी चीज़ों को होता है इंक्लूडिंग दिस माइक्रोफोन। और अब मैं एक छोटा सा ऐलान करना चाहता हूँ कि जिस दिन वीडियो रिलीज होगा मतलब कि फर्स्ट फेब से लेके मिड फेब मतलब कि 15 to 17 फेब तक मेरे व्लॉग्स बिल्कुल रैंडमली आएंगे बिकॉज मेरी एग्जाम्स है। सो शायद से व्लॉग ना भी है 2-3 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 या फिर 4 दिन के ऊपर मैं गैप नहीं रखूंगा मेरे चैनल के ऊपर। सो बस ये फेब का एक मंथ निकाल दो, उसके बाद वापस आई एम गोना बी ऑन माय ट्रैक अगेन, मींस अल्टरनेट या फिर काइंड ऑफ छोटा मोटा मैं डेली भी ट्राई करूंगा बट वो सब फेब पास होने के बाद ही। सो या दिस वॉज द छोटू सा अनाउंसमेंट फॉर माई चैनल। बस ये वाला फेब मंथ चला लो, उसके बाद वापस आई एम गोना बी ऑन माई ट्रैक विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड जोश। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं व्लॉग्स जिस दिन मतलब कि मैंने व्लॉग नहीं डाला उस दिन शायद से मैं YouTube शॉर्ट्स भी ट्राई करूंगा बिकॉज अब तक मैंने कोई भी YouTube शॉर्ट्स अपलोड नहीं किया है। सो शायद से देखता हूँ कि आई माइट अपलोड सम YouTube शॉर्ट्स जिस दिन मेरा व्लॉग रिलीज नहीं होगा उस दिन। लेकिन अभी तो ज़रा पढ़ाई को बरकरार रखते हुए मतलब कि अभी बस मैं मेरे कोर्स का शुरुआत करूंगा पढ़ाई का। सो मैं ज़रा पढ़ लूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ये 4 pamphlets आई नीड टू कम्प्लीट दिस। सो आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। सो आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया, जो मैं दोपहर से पिछले 3 घंटे से जो मैं चैप्टर पढ़ रहा था जिस सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट था मेरे 6th सेमेस्टर का और हमारे एग्जाम होने वाले 5th सेमेस्टर की। एक्चुअली वो सब्जेक्ट के नाम में बस सिर्फ आगे का एक ही वर्ड अलग है, उसमें स्कैम हो गया मेरे साथ। इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ जेरोक्स शॉप पे। ये क्या है, मैं डर गया, ये एफएम बजने लगा। वैसे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कुछ। आई थिंक एक वीक पहले ही जब मैंने वो वाला व्लॉग अपलोड किया था ना मेरा कि आई एम सेलिंग माई ड्रोन, उसी दिन मेरे कंप्लीट हो गए थे 400 सब्सक्राइबर्स और आज की डेट में हुआ है कुछ अराउंड 427। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। ये तो बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ आप सबको कि यू नो आई एम जस्ट लाइक ट्रैकिंग द डेट एंड टाइम कि कब मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हुए थे। और ये मैं जरा पार्किंग देख रहा था बिकॉज यहाँ भी कार है स्कॉर्पियो और उसके पीछे भी एक। अब मैं शांति से पढ़ना शुरू कर सकता हूँ। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल रात को मैं आई थिंक प्रॉपर आवाज और प्रॉपर वीडियो नहीं आया था, इसलिए आई एम जस्ट शूटिंग द एंड पार्ट अगेन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आज का अब सिर्फ एक वीक बाकी है मेरे एग्जाम्स को। सब सुबह शाम आई एम जस्ट गोना फोकस ऑन माय स्टडीज। सो या दैट्स इट। मैं आप लोगों से मिलूंगा होपफुली अगले 2 या फिर 3 या फिर 4 दिनों के अंदर अंदर। बाकी तो इंस्टा पे हम लोग मिलते रहेंगे, मुझे फॉलो जरूर करना, नाम है मिस्टर व्लॉग वर्स। प्लस आई माइट अपलोड सम यूट्यूब शॉर्ट्स। सो
या मैं आप लोगों से मिलूंगा होपफुली अगले 2-3-4 दिनों के अंदर अंदर. टिल देन गुड बाय, सायोनारा एंड नस्विदानिया. टेंशन एग्जाम का टेंशन. या बाय बाय.